डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मेरी नाम इसरा। आज मैं आपको बेटा कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए आपकी बुक है सृष्टि, सृष्टि और हिंदी पाठमाला, ये आपकी जो है आपकी बुक का नाम है। अब देखिए, चलिए आज जो है मैं आपको जो है पहला लेसन पढ़ाऊँगी। पहला लेसन है यह है भारत देश हमारा। देखिए ये जो है ये रचना हमारे भारत देश के ऊपर लिखी गई है। इस रचना के माध्यम से कवि जो हैं सुब्रह्मण्यम भारती हमें बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश कितना महान है। हमें जो है इस देश पर गर्व करना चाहिए और अपने भाग को सराहना चाहिए कि मेरा इस देश में जन्म हुआ है, बहुत पुण्य किए होंगे, इस वजह से हमें इस भारत भूमि पर जहाँ पर स्वयं भगवान ने भी जन्म लिया है, समय समय पर जो है यहाँ पर आकर जो है इस धरती को जो है पापों से जो है मुक्त किया है, तो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की साहित्यिक, प्राकृतिक जो है विशेषताओं का वर्णन जो है करते हुए जो कवि हैं हमें अपने देश पर अभिमान करने की जो है प्रेरणा देते हैं कि जो है, और आप लोगों को भी जानना चाहिए कि मेरा भारत देश कितना महान है। जो है हमारे भारत देश में जो है क्या नहीं है, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है विदेश के लोग जो है यहाँ पर आकर के उसकी सुंदरता को देखते हैं, और बहुत से ऐसे तीर्थाटन हैं, तीर्थाटन मतलब जहाँ पर तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आते हैं। आप जो है आपके पास में ही है संगम, आपने सुना होगा जो है इलाहाबाद जो है जब यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है तो सब लोग जो है बहुत से विदेशी लोग भी आकर के यहाँ पर उस मौसम का और उस समय का जो है आनंद वो लेते हैं। तो यहाँ मेरे भारत देश में जो है ऐसे बहुत से स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। तो चलिए हम अपने भारत देश के बारे में जो है कुछ जानें इस रचना के माध्यम से। और कवि ने जो है हमको बताया है कि हमारे भारत देश में जो है क्या जो है नहीं है, मेरा भारत देश कितना महान है, यहाँ के लोगों की भावनाएं कैसी हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों के जो स्वभाव हैं, दयालुता है वो कितनी उनमें भरी पड़ी है, वो थोड़े से स्वार्थ के खातिर जो है अपने भारत माता को जो है पुण्य भूमि मान करके जो है यहाँ पर अपने आप को भी कुर्बान कर दे रहे हैं और किसी से तनिक भी भीख भी नहीं लेते हैं। ऐसा मेरा भारत देश है और यहाँ के जो है लोग उतने ही दयालु हैं। चलिए आगे देखते हैं। चमक रहा उत्तुंग हिमालय यह नगराज हमारा ही है। कवि कहता है नगराज मीन्स क्या होता है बेटा, पर्वतों का राजा। उत्तुंग मीन्स होता है हिमालय। तो हमारे मेरा जो ये हिमालय पर्वत है, नगराज पर्वतों का जो राजा है, यह क्या कहाँ पर स्थित है बेटा, हमारे उत्तर दिशा में जो है स्थित ये जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो ऊंची चोटी है, हिमालय की जो चोटी भी है जो सबसे ऊंची होती है, जो ऊंचे शिखर की सबसे होती है उसको चोटी बोला जाता है। तो जो क्या है ये सबसे ऊंची जो चोटी है आज भी क्या है चमक रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है
बर्फ गिरती रहती है, तो क्या है उस बर्फ से क्या है पूरा जो हिमालय पर्वत है बिल्कुल श्वेत सा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सफ़ेद, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर वो दृश्य लगता है देखने में। तो कवि जो है हमें बता रहा है उस हिमालय की सुंदरता का जो है वो कवि जो है वर्णन कर रहा है कि मेरा वह देश है उसकी सुंदरता आप जो है उस हिमालय की सुंदरता को देखिए कितना सुंदर वो हिमालय लगता है, वह है मेरा देश, वो जो पर्वत है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, वो पहरेदार है हमारे भारत देश का। जोड़ नहीं धरती पर जिसका यह नगराज हमारा ही है। नगराज मीन्स होता है क्या, नगमीन्स होता है पर्वतों का राजा। जो हिमालय है इस हिमालय की तुलना किसी और पर्वत से नहीं की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जोड़ नहीं धरती पर मतलब इस धरती पर, धरती पर तो बहुत सारे पर्वत हैं पठार हैं लेकिन हिमालय जैसा कोई पर्वत नहीं है, हिमालय से ऊंचा कोई पर्वत नहीं है और कहीं भी नहीं है। ये यह जो है यह सुंदर हिमालय मेरे ही भारत देश में है। तो हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुर रसधारा, और प्लावित मीन्स क्या होता है बहना, और हमारे ही भारत देश में हमें मेरे भारत देश में क्या नहीं है, सब कुछ तो है मेरे भारत देश में। ऐसी गंगा जो पतित पावनी गंगा जिसकी जलधारा जो है लोगों को मुक्त कर देने वाली है, तो ऐसी नदी कहाँ पर है, हमारे ही भारत देश में है। प्लावित करती मधुर जिसकी मधुर रसधारा क्या है जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है, या आप कह लीजिए कि चारों तरफ क्या है नदी की पावन जलधारा बह रही है, और बह करके क्या है इसी की जलधारा से ही तो हमारी खेती की सिंचाई होती है, और ये जो अन्न उत्पन्न हो रहा है कहाँ से हो रहा है, यदि गंगा नदी ना होती तो क्या है हमें जल कहाँ से मिलता। तो क्या है हमारी जो गंगा है ये इसी जो है हिमालय पर्वत से उत्तराखंड में स्थित पर्वत जो है गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, और क्या है हमारे जो है पर्वतों से निकलती हुई जो है ये आकर मैदान भूमि में अपना पूरा विस्तार जो है रूप से जो है फैल जाती हैं। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, या तुमने और भी ऐसी पतित पावन जो है कलकल धारा मधुर धारा को बहते हुए कहीं और भी देखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि गंगा के समान और भी नदी जो है कोई जो रोग को मुक्त कर देने वाली है, इसकी एक बूंद से लोग जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी महिमामयी जो है गंगा और कहीं पर जो है बहती हुई आपको मिली है किसी भी देश में। तो इस प्रकार बेटा ये आपका पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगला पैराग्राफ बेटा आज जो है दूसरे वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।